गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर 31 मार्च 2020 के बाद एक बहुत ही छोटा सा जो काम है वो आप लोगों को कर लेना है, नहीं तो उसके ऊपर जो लेट फीस है, जो फीस है वो लगा दी जाएगी। ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर ऑनरेबल मिनिस्टर ने ऑलरेडी दे दिया है। अब क्या है पूरा प्रोविजन वो समझ लीजिए, और इसको समझने के बाद अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है अपने क्लाइंटों का तो फटाफट से ये काम जो है निपटा लीजिएगा 31 मार्च से पहले। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 234H जो है वो अब यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है, जो कि बात करता है फी फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने पैन को आधार के साथ लिंक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 234H में आपको लेट फी जो है वो पे करना होगा। यहाँ लिखा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार नंबर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA, यानी कि 139AA के सबसेक्शन 2 में जो लोग रिक्वायर्ड है, लायबल है आधार को लिंक करने के लिए, एंड सच पर्सन फेल्स टू डू सो ऑन और बिफोर सच डेट, वो जो डेट है 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंडेड है। ये सारी चीजें हम लोग अपनी हर मैगजीन में आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे 9693601228 इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने इस डेट तक ये काम नहीं किया तब क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू पे सच फी व्हिच शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA, यानी कि 139AA के सबसेक्शन 2 में जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी नहीं होगी तो आपको डेट के बाद 1000 रुपए की लेट फीस जो है वो पे करनी होगी, मैक्सिमम लेट फीस 1000 रुपए की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139AA, इसके अंदर सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर एज ऑन 1st July 2017, यानी कि 1st July 2017 या उससे पहले अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर अवेलेबल है एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, और आप एलिजिबल हैं कि आपको आधार नंबर ऑब्टेन करना है, शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू सच अथॉरिटी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रोस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर द डेट टू बी नोटिफाइड, जो कि 31 मार्च है। यानी कि आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार नंबर है, दोनों को लिंक करना आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर द परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी मेड इनऑपरेटिव आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2022 से पहले अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है, और पैन नंबर अगर इनऑपरेटिव हो गया तो आपका बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सारी चीजें जो हैं वो ठप पड़ जाएंगी, जैसे DIR 3 का कंपनीज के केस में कंप्लायंस नहीं होने की वजह से हो जाता है, डिन नंबर डीएक्टिवेट। जब वो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आप लिंक करने जाएंगे, जैसे ही आप लिंक करने लगेंगे आपको 1000 रुपए की लेट फीस जो है वो भरनी होगी। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस और एनी अदर क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रोविजंस यानी कि पैन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं होगी ऐसे लोगों को जिनको नोटिफिकेशन के जरिए ये चीजें बताई जाएंगी। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पैन और आधार जो है वो लिंक कर लीजिए जल्द से जल्द। सब सेक्शन 1 इसका कहता है एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार शैल ऑन और आफ्टर 1st July 2017 कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पैन। यानी कि आप 1 जुलाई 17 के बाद अगर पैन लेते हैं
तो आपको आधार नंबर डालना मैंडेटरी है और अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर जो आधार नंबर है वो डालना मैंडेटरी है। अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास तो एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन जो है वो करना बेहद जरूरी है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा कंप्लायंसेस है जिसको नहीं करने से आज तक का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है टैक्स पेयर का या एसएससी का, पैन हो जाएगा आपका इनऑपरेटिव, उस पैन को आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, आपका पैन ही डिजेबल जो है वो कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि सेक्शन 234H क्या कहता है और उसके साथ साथ सेक्शन 139 कैपिटल AA का सब सेक्शन 2 जो है वो किस तरीके से काम करेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड